नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गोस्वामी। जिला पंचायत चुनाव आप लोगों के सामने है। किसी भी समय जिला पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। आप लोगों को जैसे पता होगा कि आपके क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, उन्होंने आज से 5 साल पहले आपसे क्या कहा था, क्या वादे किए थे, उसमें से कितने उन्होंने कराए, कितने नहीं कराए, कितने आपसे आपसे मिलने आए, कितने नहीं मिलने आए जीतने के बाद, ये सब प्रश्न आप एक बार पुनः उनसे पूछ सकते हैं कि आप हमारे सामने कितनी बार आए जीतने के बाद, आपने हमारे लिए क्या किया जीतने के बाद, आपकी पहली स्थिति क्या थी और जीतने के बाद 5 साल बाद आपकी स्थिति क्या हो गई, आपने जनता से जो कहा था वो किया क्या। आज समय आ गया है, वक्त आ गया है, 5 साल बाद फिर से एक बार आपको मौका मिला है अपने मत का उपयोग करके उनसे हिसाब किताब करने का समय आ गया। दोस्तों, जिला पंचायत सदस्य जब चुनाव लड़ते हैं उस टाइम पर उनकी स्थिति क्या होती है, उसमें शिकायत गाड़ी होगी, सस्ती सी गाड़ी में घूमते होंगे, लोगों के पैर पड़ते हुए नजर आते हैं, गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं, सब कुछ करने की दमखम भरते हुए नजर आते हैं। इसके बाद जैसे वो जीतते हैं, सबसे पहले तो पुरानी जो खटारा गाड़ी होती है वो गाड़ी बदल के स्कॉर्पियो, सफारी, फॉर्च्यूनर आ जाती है। दोस्तों, कैसे आ जाती है, जो कुछ दिन पहले कटारा गाड़ी में घूमते हुए नजर आते हैं और जैसे ही वो जिला पंचायत सदस्य बनते हैं और जिला पंचायत सदस्य जैसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके बाद जो सदस्य हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए नजर आते हैं। कैसे घूमते हुए नजर आते हैं, कहां से कमाई हो जाती है, क्या साठगांठ हो जाती है, एकाएक परिवर्तन हो जाता है, जिंदगी बदल जाती है, नेताजी चमक जाते हैं और नेताजी के हाल चाल भाव सब बदले हुए नजर आते हैं, जनता से लेना देना रहता नहीं है और बड़े नेता बन जाते हैं, फोटो खिंचवाने लगते हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ में। विकास के जो दावे हैं, काम है, क्या किया जाएगा, उनसे कोई लेना देना बचा नहीं रहता। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, अपने तरीके से फिर वो काम करते हुए नजर आते हैं, मेंबरों को भी साथ में नजर आते हैं और एक बड़े पैसे पर उनकी नजर बनी रहती है। कई मदों से पैसा भी आता है जिला पंचायत को, तो अपना खुद का रेवेन्यू भी होता है, सरकार की स्कीमों पर भी ध्यान दिया जाता है, तमाम तरीके के काम आते हैं, पक्के निर्माण के काम आते हैं, टीन सेटों के काम आते हैं, कई जगह दुकानें बनाई जाती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, तमाम व्यवस्थाएं होती है जिला पंचायत के पास। जिला पंचायत अध्यक्ष विधायक से बड़ा प्रोटोकॉल होता है जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसका अपना खुद का एक प्रोटोकॉल होता है, उसके खुद अधिकारी होते हैं और खुद उसके पास बहुत से पावर्स के बोर्ड के पास होते हैं। तो जैसे ही आप जिला पंचायत सदस्य बन जाओगे, आपके पास सफारी, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर की लाइन लग जाती है। कैसे लगती है आप सबको पता होगा। अब ऐसे नेताओं के लिए जिसको आपने 5 साल पहले वोट दिया था, आपसे मिलने आए थे, बहुत दावे किए होंगे, लेकिन जीतने के बाद वो आपके घर नहीं आए, आपको कोई मदद नहीं कर पाए, ना ही मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया, शक्ल ही नहीं दिखाई, तो ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का समय आ गया। ऐसे नेताओं को उनकी वास्तविक जो उनकी वैल्यू है वो बताने का समय आ गया है। ऐसे नेता जो जनता के वोटों को तो बटोरते हैं, वो बटोरने के बाद कहीं सौदा कर देते हैं, वो अपनी सफारी, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर में घूमते हुए नजर आते हैं, उसके क्षेत्र के विकास से कोई लेना देना नहीं है, उसकी जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, अपने नंबर दो के कामों से लेना देना है, अपना वर्चस्व बने से लेना देना है। ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का समय आ गया है दोस्तों, और इन्हें इनकी वास्तविक हकीकत से रूबरू कराने का समय आ गया है कि आप नेता जिसके वोट की दम पे बने थे उसी के लिए कुछ नहीं कर पाए, अब हम आपको औकात दिखाएंगे, आपकी औकात क्या है, आप किस लायक हैं। तो ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का समय आ गया है, अपने वोट की ताकत को पहचानिए और ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाइए। ऐसे नेताओं को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है जो आपके वोट का सौदा कर रहे हैं और अपने आर्थिक लाभ के लिए जनता को भी भूल जाए। तो जिला पंचायत के चुनाव आ चुके, आप अपने जिला पंचायत जो भी क्षेत्र आता है उसके सदस्य आप पूछिए, आपने क्या किया, कहां थे, क्या किया और आगे क्या करने वाले, सब पूछिएगा उनसे।
कब कब आपके साथ में आए, ऐसा तो नहीं कि केवल खाने पीने के लिए आते हो, आपकी समस्या से कोई लेना देना नहीं, पहले आपके क्षेत्र में रहते थे उसके बाद बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में हो जाते हैं, कोई प्लॉटिंग माफिया बन जाता है तो कोई खनन माफिया बन जाता है। ये सब पूछिएगा आप कि अपने वर्चस्व के चक्कर में जनता का कितना दोहन किया है और कौन सा नेता आपके साथ खड़ा नजर आया है। अगर वो नेता आपके साथ खड़ा नजर आया है तो उसे आप अपना आशीर्वाद दीजिए, उससे कहिए कि आप और अच्छा करिएगा, आपने बहुत अच्छा किया है, हमने आपको सही चुना था। तो इस सब चीजों को देखते हुए जिला पंचायत चुनाव का बुगुल फूक चुका है और अब लोग तैयारियों में लगे, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पहली नजर बनाई है जिला पंचायत चुनाव पर और अपने अपने कैंडिडेट उतारेगी, बिना सिंबल के उतारेंगी जरूर, पूरी सपोर्ट देंगी। अब ऐसे में हमारा आपको समझना है कि कौन सी पार्टी ने आपके साथ क्या किया, कौन सी पार्टी किस तरीके से आपके साथ काम कर रही और कितनी आपके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, क्या नुकसान है सरकार की स्कीमों से, क्या लाभ हुआ है सरकार के नए जो कानून है उससे क्या लाभ हुआ है, ये सब समझने की बात है। और जिला पंचायत सदस्य उसको चुनिएगा जो आपके साथ खड़ा नजर आए, उसको मत चुनिएगा जो बड़े नेता के साथ फोटो खिंचाता हुआ नजर आए और आपको भूल जाए। जय जय महाराज, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, याद रखने का पालन करें।